भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में रविवार को ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के खोराबार ब्लॉक के सभागार में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सतीश द्विवेदी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित के साथ हुआ। प्रबुद्ध सम्मेलन में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह एवं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि प्रबुद्ध सम्मेलन करने के पीछे उद्देश्य ये है कि पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों और 70 वर्षों में जो समस्याएं नहीं सुलझी थी हमारी सरकार ने कर दिखाया। चाहे घर घर बिजली हो, चाहे गैस चूल्हा हो, चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या कश्मीर की समस्या का समाधान हो, चाहे 3 तलाक खत्म करना हो या अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के विकास का नया आयाम बनाया गया है। इन सब को लेकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच चर्चा किया गया, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग ही जनमत बनाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, मैं यहाँ के मंडल प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय डॉक्टर सतीश, वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय हरिप्रकाश श्रीवास्तव जी, हमारे लोकप्रिय दिनेश जयपाली के मित्री को अपने विधायक जी को हम यहाँ आए हैं, हमारे मुख्य अतिथि हमसे साझा करेंगे। निवेदन करता हूँ कि आप मंच में आवे कमरेंद्र सिंह जी, कोने कोने से आए हुए प्रबुद्ध जनों, शिक्षक, अधिवक्ता, समाज सेवी, समाज के हर वर्ग के लोग, कोई पत्रकार है, कोई साहित्यकार है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ उसमें, बाकी सभी लोगों का इस गोरखनाथ की धरती पर जो ये ग्रामीण विधानसभा का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सूचना में आप सबको विद्युत जनों को बुला करके इस सभागार में प्रस्तुत कर दिया है, उन समस्त कार्यकर्ता विरोधी नेताओं के अपर निकल गए हैं, लेकिन कोई मुद्दे नहीं है, सकारात्मक बात नहीं कर सकते हैं, लाभ भी लेते हैं और उल्टी बातें करते हैं साथियों। चाहे प्रधानमंत्री आवास का अभी जिक्र हुआ मेरे भाई ने किया, साथियों यही खोराबार है, माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहेंगे, यही चोरी गांव सभा है, 800 से ऊपर किसान सम्मान निधि उस गाँव में जाती है साथियों, यह बहुत बड़ी बात है। रामबली जी किसान बैठे हुए हैं, 700 कुछ लोगों को किसान सम्मान निधि जाती है। और साथियों यही नहीं, अभी जो छूटे हुए हैं कैंप लगा करके हर गांव में किसान सम्मान निधि में जो मेरे भाई किसान साथी छूटे हुए हैं उनका भी बन जाएगा कार्ड। साथियों क्या नहीं दिया है सरकार ने, चाहे कोरोना काल में मुफ्त वैक्सीन पूरे विश्व में कहीं वैक्सीन फ्री में नहीं मिलती है, लेकिन आपके सचिव प्रधानमंत्री जी, आपके सचिव मुख्यमंत्री जी ने हर व्यक्ति को वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराया है। हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वैसे शिक्षा क्षेत्र में कितना सुधार हुआ है, जब हम लोग पढ़ते थे साथियों हम लोग टाट पर बैठते थे, पिछली सरकारों में माननीय मंत्री जी टाट की मशीन नहीं होता था, आज जो स्कूल में हमारे छोटे नौनिहाल बच्चे जाते हैं तो पैंट शर्ट जूता मोजा बैग और यहाँ तक कि अब खाने के लिए उनके खाते में पैसा जा रहा है, कितनी पारदर्शिता इस सरकार में है साथियों। और हम लोग तो गोरखपुर के हैं, क्या नहीं दिया पूज महाराज श्री ने, खोराबार पे देखे इतना बढ़िया रास्ता बन रहा, आपके बगल में एक फोन दिया साथियों का कुमानी फोन स्टेशन, अगर नहीं डालता तो गोरखपुर के दक्षिणांचल नहीं गोलघर में भी पानी लगता साथियों, यह हकीकत है, कितनी बारिश हुई थी अब कि साथ पानी नहीं निकल पाता, लेकिन पंपिंग स्टेशन का जल्दी जल्दी खुद महाराज ने लोकार्पण किया, आज पंपिंग स्टेशन को पानी खींच करके उसको गोरा नदी में डिस्चार्ज करता है साथियों। और साथियों चाहे उज्ज्वला गैस को ले लीजिए, चाहे शौचालय को ले लीजिए, कितना पारदर्शी तरीके से इस सरकार ने बना है, चाहे कानून व्यवस्था को ले लीजिए, पिछली सरकारों में हमारी बाल बेटी
केंद्र सरकार। साथियों, माननीय मंत्री जी को सुनना है, हम बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। गोरखपुर ग्रामीण की जनता की तरफ से माननीय मंत्री जी का स्वागत बंद अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी जब मैं मंच पर आया और मेरा स्वागत हो रहा था, एक बात बहुत अच्छी लगी कि कुछ लोगों ने रामचरितमानस भेज दिए। जैसे ही राम रामायण रामचरितमानस स्वामी तुलसीदास अयोध्या ये सब ध्यान में आता है, मन में अलग तरह के भाव पैदा होते हैं। मैंने सोचा था कुछ और हिंदुओं से बात शुरू करने को, लेकिन जब मुझे रामचरितमानस मिला तो मैंने सोचा यहीं से अपनी बात बोलता हूँ, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में और हमारे देश में राम ही आदि हैं, राम ही अंत हैं। पावन चरणों के सानिध्य में रहने वाले लोग हैं। जब अयोध्या की बात होती है तो गोरखपुर बस्ती सिद्धार्थनगर ये सब लगता है कि सब अयोध्या ही है। आप कल्पना करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पिछले 500 वर्षों से चला आ रहा विवाद शायद दुनिया का इकलौता राष्ट्र होगा, कहा होगा, अब तो रहा होगा कहना पड़ेगा, क्योंकि तो समस्या समाप्त हो गई, जो अपने बहुसंख्यक जनता के आराध्य देव की पवित्र जन्म स्थली पर पूजा स्थलों के निर्माण के लिए संघर्ष किया हुआ है। दुनिया में कहीं कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। आजादी के पहले भी जो विडंबनाएं थी वो तो अपनी जगह पर थी। मुस्लिम आक्रांताओं के समय का मंदिर का तोड़ा जाना और उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में उस विवाद का बने रहना, आजादी के बाद भी उस विवाद को सुलझाने का प्रयास ना करना, ये जो परिस्थिति आज बनी और 5 अगस्त 2020 जब इस देश के सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर सभ्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास का कार्य संपन्न किया, तो एक साथ एक हर भारतवासी के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा था, और वो प्रश्न ये उठ रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार केंद्र में ना होती, कोई दूसरी सरकार होती, तो यद्यपि न्यायालय का ये निर्णय भी नहीं आ पाता, क्योंकि सरकारों की भूमिका मंदिर के प्रतिकूल होती है। सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले जब न्यायालय में खड़े होते थे तो सरकारों के वकील कहते थे कि राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम जन्मभूमि काल्पनिक है, इस नाते न्यायालय इस तरह के निर्णय पर नहीं पहुंचता। इस सरकार के सहयोग के कारण ये निर्णय हुआ ये तो बात थी, लेकिन हर भारतवासी के मन में मेरे मन में भी सवाल खड़ा हुआ था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या देश का प्रधानमंत्री आकर इस मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करता? और तब यही मन में आता कि शायद नहीं करता। न्यायालय के निर्णय के बाद भी प्रधानमंत्री सोचता कि अगर मैं उस मंदिर के शिलान्यास में जाऊंगा तो देश का कोई वर्ग कोई वोट बैंक हमसे छिटक जाए, कोई हमारी आलोचना न करे, कोई हमको सांप्रदायिक न करे। ये फर्क है इस देश में भाजपा के सरकार में होने का और ना होने का। एक ऐसी यशस्वी सरकार चल रही है और 4 साल से प्रदेश में एक ऐसी यशस्वी सरकार है कि प्रायः सरकारें नहीं चाहती हैं कि जब अगला चुनाव आए तो उनके क्रियाकलापों की चर्चा हो, वो कोई मुद्दा खोलते हैं ताकि सरकार के कामों से लोगों का ध्यान हटे और किसी दूसरी लहर पर चुनाव हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और प्रबुद्ध सम्मेलन करके समाज के प्रबुद्ध वर्ग का आह्वान कर रही है कि आप हमारे कार्यों को देखिए, आप हमारे उपलब्धियों की समीक्षा करिए और आपको लगे
कि दोनों सरकारों ने देश और प्रदेश के विकास के लिए अच्छे प्रयास किए हैं, तो हमारे इन प्रयासों को समाज के बीच में। जब हम राम की बात करते हैं तो इस देश में तो सिलचर से लेकर सौराष्ट्र तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कंकड़ में राम ही तो है। जब ये बात कहते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कंकड़ में राम है, तो कश्मीर की दशा अपने आप ध्यान में आती है। और आप याद करिए, मोदी सरकार के आने के पहले के 70 वर्षों में कश्मीर की स्थिति क्या थी और इन 7 वर्षों में कश्मीर की स्थिति में क्या बदला है। बहुत सारे लोग मैं चेहरे यहाँ देख रहा हूँ, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग बैठे हैं। भारतीय जनसंघ 21 अक्टूबर 1951 में बना था, कब से लेकर के 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बनी और मोदी सरकार के बनते समय तक भी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 जो है सामान्य बोलचाल में जिसको धारा 370 कह देते हैं, इसको हटाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के हर अधिवेशन में लिया। तो कोई सामान्य बात नहीं थी। भारतीय संविधान के अनुसार, हमारे संसद के संकल्प के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी कई मामलों में लगता नहीं था कि देश का हिस्सा। याद करिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो आंदोलन, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। वो आवाज बुलंद करने के कारण, कश्मीर में जाकर वो आंदोलन करने के कारण उनको शहीद होना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। याद करिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे 15 अगस्त के दिन। फिर उसमें कितनी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा था, वो सारा आंदोलन याद है। ऐसा क्या हुआ, पिछले 7 वर्षों से जब एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाली सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई, एक और लौह पुरुष गृह मंत्री के रूप में जब इस देश को अमित शाह के रूप में मिला, एक झटके में जिस धारा 370 के बारे में कहते थे लोग कि अगर इसको हटाने की कोशिश हुई देश में खून की नदियां बहेंगी, महबूबा मुफ्ती जी कह रहे थे कश्मीर में तिरंगे को कंधे पर ले जाने वाला नहीं मिलेगा, कैसे चुटकी बजाते हुए अनुच्छेद 370 और 35 ये खत्म हुआ कि जब टेलीविजन पर वो समाचार आया तो उसके बाद भी हम लोग किसी सांसद को फोन करके पूछ रहे थे क्या सच में ऐसा हो गया है। विश्वास नहीं हो रहा था कि कश्मीर से 370 हट गया, 35 हट गया। और जिस लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुश्किल था, उस लाल चौक की तो बात छोड़िए, इस बार 15 अगस्त को कश्मीर के मस्जिदों और नगर को तिरंगा था। आज भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा का प्रबुद्ध सम्मेलन था। इस सम्मेलन को करने के पीछे पार्टी का उद्देश्य है कि पिछले 7 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने जो काम किया है, इन 7 वर्षों में देश की उन समस्याओं का जो समाधान किया है जो 70 वर्षों में नहीं हो पाया था, चाहे घर घर बिजली हो, चाहे हर घर गैस चूल्हा हो, चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे कश्मीर की समस्या का समाधान हो, चाहे 3 तलाक का कानून खत्म करना हो, चाहे प्रभु श्री राम के जन्मस्थान अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, इन सब चीज़ों को लेकर के प्रबुद्ध वर्ग के बीच उसकी चर्चा हो, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग जनमत बनाता है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में वो काम किए हैं जो 40 वर्षों में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। चाहे वो 4.5 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी हो, चाहे स्कूलों का कायाकल्प हो, चाहे नकलविहीन परीक्षा हो, चाहे अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारना हो, चाहे कोविड का प्रबंधन हो जिसकी प्रशंसा न केवल प्रधानमंत्री जी बल्कि WHO और पाकिस्तान जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने की, चाहे हर गांव को सड़कों से जोड़ना हो, चाहे हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र को भी 20 घंटे 18 घंटे बिजली देने का काम हो, चाहे गोवंश की रक्षा करने का काम हो, चाहे हर प्रदेश की हर नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना हो, सभी मामलों को लेकर, यानी प्रदेश सरकार के, योगी सरकार की 4 साल की उपलब्धियाँ और केंद्र सरकार की 7 साल की उपलब्धियाँ लेकर के हमारा प्रबुद्ध वर्ग जब जनता के बीच जाएगा तो एक बार फिर से वो जनमत तैयार होगा कि 2022 में पुनः प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही आह्वान करने के लिए मैं आज यहाँ इस सम्मेलन में आया हूं।